हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और अभी बजे है सुबह के 9:30 और हम इतनी जल्दी फ्री होके बैठ गए हैं। सारा काम हो गया है, नाश्ता भी हमने कर लिया है और बस अभी अश्विन होटल जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बात करते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। फ्री हो गए? फ्री तो हो गया, अब जा रहे हैं दुकान पे। ठीक है, एक नंबर ढूंढ रहे हैं। ओके, ये अभी बाला भाई भी फ्री होके बैठ गए हैं अश्विन के पास। दोनों बैठे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं दुकान पे। केम छो बाला भाई, कहीं बोलो ने। अश्विन और बाला भाई दोनों जा रहे हैं दुकान पे। दुकान पे जा रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, अश्विन और बाला भाई दोनों होटल पे चले गए हैं और ज्योति बहन भी अपनी दवाई लेने के लिए जाने वाले हैं। उसकी तबीयत कल रात को कुछ ज्यादा ही खराब थी, तो वो आयुर्वेदिक दवाई तो लेके आए थे, लेकिन अभी उसके जो फैमिली डॉक्टर है उनके पास दवाई लेने जाने वाले है। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे, तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि छत पे चने भिगो के सुखाए थे ज्योति बहन ने, तो उसको हम थोड़ा ऐसे हाथ लगा देते हैं, क्योंकि फिर ये चने की दाल बनेगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। तो ये देखिए, चने भिगो के फिर इसकी इसको सुखा दिया है, और जब ये सूख जाएंगे तो उसकी दाल बनाएंगे। तो ये सब ठीक कर लेते हैं हम, हाथ ऐसे घुमा देते हैं तो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। दो दिन इसे सुखाना पड़ता है, 2 या 3 दिन, जब तक ये सूखे नहीं तब तक उसको सुखाना पड़ेगा। पूरी तरह से जब सूख जाएंगे तो इसकी दाल अच्छी बनेगी। तो बस फ्रेंड्स, ऐसा है सब कुछ माहौल। और आज है 25 तारीख, तो मेरी शादी हुई थी 27 को, और 25 को आज के दिन अभी, मतलब अभी जो सुबह 9 बजे लगन लगते हैं, तो कंकोत्री जो होती है वो लिखने का, वो ब्राह्मण आके फिर वो लिखते हैं। और लड़के वालों के यहाँ पर भाई और चाचा, हमारे में ऐसा होता है भाई और मेरे चाचा, वो दोनों वहाँ पर जाते हैं लड़के यहाँ, लड़के वालों के यहाँ, और फिर उनको इनविटेशन देते हैं कि आप बारात लेके हमारे घर पे आना। तो ऐसा सब ये रस्म होती है, तो आज के दिन हुई थी 25 तारीख सुबह 9 बजे। तो आज के दिन कंकोत्री हमने लिख कर भेजी थी, और बस अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, सब काम वाम तो मैंने कर लिया है, और अभी तो क्या है, खाना पकाएंगे दोपहर को जब ज्योति बहन आएंगे तब, और अगर नहीं आएंगे तो मैं खाना पकाना स्टार्ट कर दूंगी। तो मिलते हैं आपको 11 बजे। तो फ्रेंड्स, अभी 11 बज गए हैं और ये मैं सब्जी कट करना स्टार्ट करती हूँ। तो आज बनेगी गवार की सब्जी, गवार, और इसमें हम डालेंगे आलू। तो ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट वाली गवार है, देखिए एकदम सॉफ्ट है, तो ये इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो आज हम ये बनाते हैं। हमारा रोटली, रोटला और ये सब्जी सब रेडी हो गया है, तब इसमें डाल देते हैं धनिया। तो अभी अश्विन और बाला भाई आते हैं तब खाना खा लेंगे। अभी ये ज्योति बहन यहाँ पर बना रहे हैं रोटली का चूरमा। तो कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाते हैं। पहले इसमें घी लिया है, उसके ऊपर गुड़ डाल रहे है, गुड़ को ऐसे हाथ से मसल के डाल रहे है।
ये इतना गुड़ लिया है, आपको जितना स्वीट खाना हो उसके हिसाब से आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। तो अब इसको गरम करने के लिए रख दिया है, तो अभी इसको गरम करेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे हिलाते रहना है, और घी अगर जरूरत पड़े तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो इसमें अभी थोड़ा सा घी भी डाला है, वापिस हिलाते रहना है। लाडवानी जेम घे जैसे चूरमा का लड्डू बनाते हैं उसमें जैसे गुड़ की ये पाई लेते हैं ना, वैसे ही इसमें भी गुड़ को पकाना है। बस अब गुड़ पक गया है, तो इसमें हम ये रोटली का चूरमा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारा चूरमा एकदम रेडी। तो अभी दोपहर का खाना तो पक गया है, सब्जी रोटी संभारा और ये चूरमा। अभी बाला भाई और रश्मि को फोन करते हैं, वो आएंगे तब हम खाना खाएंगे। अभी 1 बजे अश्विन आए हैं, मैंने 12 बजे का फोन किया था, तो 1 बजे फाइनली आ गए हैं छाछ लेके। तो अब हम खाना खाने बैठेंगे। 12 बजे से छाछ लेने गए थे, अभी 1 बजे उसको छाछ मिली है, तो 1 बजे वो आए हैं। 1 घंटे उसने छाछ ढूंढने में लगाया, अभी फाइनली वो आ गए हैं। और कितने दुबले हो गए वो देख। हाँ, छाछ ढूंढते ढूंढते देखो तो। चलो चम्मा बेसो। तो फ्रेंड्स, हम अभी पहुंच गए हैं दोपहर के 3 बजे सुपेड़ी। हम खाना खा के जूनागढ़ से यहाँ पर निकल गए थे, और यहाँ पर आने के लिए निकल गए थे क्योंकि एक हफ्ते से यहाँ पर नहीं आए थे, तो सोचा कि चक्कर लगा के आते हैं और शाम को वापस रिटर्न जूनागढ़ चले जाएंगे। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर सुपेड़ी अपने घर। यहाँ पर अश्विन बापू जी को काकसिया की कड़वी जो फाकी होती वो टेस्ट करा रहे है। केवी कड़वी लगी बाबू जी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो सब ऐसा चल रहा है, और अभी हम तो यहाँ पर बैठे हैं। और हाँ, मैंने 2 दिन पहले बोला था कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तक हमारी जो फोटो थी और वीडियो थी वो मैं यहाँ पे डालती रहूँगी। तो कल मेरी मेहंदी थी 24 तारीख को, और 25 तारीख को था लग्न लखाण, तो वो दोनों जो फोटोज है वो मैं अभी यहाँ पर डाल रही हूँ। तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, मेहंदी तो लग गई और लग्न लखान भी हो गया, तो कल सुबह होगा मंडप मुहूर्त, दोपहर को मामेरा और पीठी, और शाम को रास गरबा। तो ये 2 साल पहले हुआ था, तो सब याद मैं आपको ताजा कराती रहूंगी।
और अभी हम यहाँ से निकलेंगे जूनागढ़ जाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे जो किराए का घर रखना है उनकी खोज अभी जारी है, मिला नहीं है, तो हमें वापस जूनागढ़ जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही घर मिलता है तो सामान यहाँ पर पैक करने के लिए हम आएंगे, तो अभी हम जूनागढ़ के लिए निकलते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरों को भी करवाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।